Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज की रेमेडी है बेहद आसान. सिर्फ दो चीजों की मदद से चेहरे की पिगमेंटेशन को और चेहरे के दानों को दूर कर सकते हैं. दोस्तों इस रेमेडी में वो दो चीजें हैं, एंटीबैक्टीरियल तत्व हैं और स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करने में, चेहरे को अंदर से स्किन को डीपली हेल्दी करने में ये रेमेडी बहुत बढ़िया है, लाजवाब है. दोस्तों अगर आपके लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गई है, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे दाने बहुत ज्यादा हो गए हैं, पिंपल्स एक्ने बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आपने इस DIY को जहां जहां पर आपके चेहरे पे पिंपल है एंड एक्ने है वहां वहां पर इसे अप्लाई कीजिएगा. अगर आपके लिप्स के आसपास बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई है तो वहां के हल्का हल्का रबिंग कीजिएगा. 2 से 3 मिनट तक रब करना है, उसके बाद धो लीजिए. अगर एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा हैं तो DIY को एक्ने पिंपल्स पे अप्लाई करें, पूरी रात छोड़ सकते हैं, स्किन बहुत बढ़िया हो जाएगी. लगातार 2-3 दिन कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करते रहेंगे ना यार, देसी नुस्खा है तो थोड़ा सा टाइम तो लेता है ना, तो 2-3 दिन इसे रात को लगा के सो जाएं और सुबह चेहरे को वॉश करें, एक्ने पिंपल गायब हो जाएंगे. ट्राई करके जरूर देखें. और तो चलिए देख लेते हैं DIY की चीज बनाना कैसे है. लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए. देखिए ये दोस्तों मैंने गैस को ऑन कर लिया है और जो देसी घी है उसको मैंने थोड़ा सा पिघला लेना है. ये देखिए देसी घी थोड़ा सा पिघल जाएगा. अभी के लिए दोस्तों मैं सिर्फ इतना सा देसी घी ले रही हूँ क्योंकि मैंने अपने पिंपल्स पे इस रेमेडी को लगाना है. अगर आपके भी छोटे छोटे दाने हो गए हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा. अगर लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन है तब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है. स्पून के अंदर आपने थोड़ा सा जो देसी घी है उसको हल्का सा वार्म कर लेना है, गर्म कर लेना है. ज़्यादा आग मत निकालिएगा, बस हल्का सा गर्म ताकि वो पिघल जाए. सर्दियों में घी जम जाता है, सो दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा पिघला लिया है. तो ये देखिए इसके अंदर मैंने क्या डाला है. या ये है हल्दी. दोस्तों हल्दी तो बहुत सारी बीमारियों की ना बहुत बढ़िया दवाई का काम करती है, जड़ है हर बीमारी को दूर करने के लिए, बहुत बढ़िया नुस्खा है. अब मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है. दोस्तों रेमेडी बनके तैयार है, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है. अब मैंने अपनी फिंगर की मदद से, अपनी उंगली की मदद से जहाँ जहाँ पर मेरे चेहरे पर दाने हो रहे हैं, एक्ने पिंपल्स हैं, वहाँ पर मैं इस रेमेडी का इस्तेमाल करूँगी. अगर आपके लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन हो गई है तो वहाँ पे इसे अप्लाई करें, सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिएगा और फिर इसे धो लें. हर रोज लगातार करने से पिगमेंटेशन सन टैन गायब हो जाएगा और इसके साथ साथ स्किन वहाँ से बेहद निखर जाएगी, एक्ने पिंपल्स भी बिल्कुल गायब हो जाएंगे. ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला ये रेमेडी है. अगर आपको लगता है हल्दी की मदद से आपकी लाइक लिप्स या स्किन येलो हो गई है तो डोंट वरी, जैसे ही आप फेस वॉश करते हैं इसे अप्लाई करने के बाद जल्दी से फेस वॉश मत कीजिएगा, थोड़ी देर रुकिएगा और उसके बाद चेहरे को वॉश कर लें, आराम से ये हल्दी निकल जाएगी. घर का हल्दी है, अगर आप चाहें तो दूसरा हल्दी भी ले सकते हैं. वेल बेटर है कि आप इसका ही इस्तेमाल करें क्योंकि किचन के इंग्रेडिएंट से हमने 2 चीज़ों से बनाया है ये रेमेडी, तो बाहर से कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. घर की हल्दी ही हमारे लिए बहुत रामबाण होती है. तो ट्राई करके जरूर देखें, अगर ये नुस्खा पसंद आया है तो अप्लाई करके जरूर देखिएगा. सो गाइस कैसा लगा ये रेमेडी, कैसा लगा ये DIY? अगर आपको ये DIY पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको भी दूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए. तो मिलोगे नए वीडियो नए DIY के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.